प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक्शन बिजली ने बात नहीं की, एसडीओ ने नहीं की, तो आर के आदमी जिले के मुखिया के पास जाता है। यदि कोई डीसी हमारे गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर ड्यूटी पे लगाता है तो हम उसका विरोध करेंगे बिल्कुल डट करके। कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई डीसी के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, और 27 तारीख को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। लोगों की समस्याएं अगर जिला उपायुक्त नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? और जब तक इन अध्यापकों की बहाली नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मास्टर सतबीर गोयत, राज्य प्रेस चीफ, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। आज किस उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया? हमारे दो अध्यापक साथियों को, जिसमें एक साथी विजेंद्र मोर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान भी हैं, उनको पिछले दिनों निलंबित किया गया है। और निलंबन का कारण बताया जाता है कि जून के महीने में जब कड़कती गर्मी पड़ रही थी, 3-4 कॉलोनियों की लाइट 5-6 दिन से गायब थी। जब चारों तरफ प्रयास करने के बाद एक्शन बिजली ने बात नहीं की, एसडीओ ने नहीं की, तो आर के आदमी जिले के मुखिया के पास जाता है। तो इन तीनों कॉलोनियों के लोग रात को डीसी महोदय से शिकायत करने के लिए गए थे, कैंप ऑफिस गए थे रात को, क्योंकि कैंप ऑफिस होता ही इसलिए है अगर लोगों की कोई समस्या वर्किंग आवर के बाद है तो वो बात कैंप ऑफिस सुनी जाएगी। जब इन साथियों की बात नहीं सुनी गई तो कॉलोनी के लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की, जिसकी एवज में पता लगा अगले दिन कि नारेबाजी करने के दोष में ही कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई डीसी के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। हालांकि नारेबाजी हमेशा होती हैं, डीसी के सिक्योरिटी गार्ड की इतनी औकात नहीं कि वो इस तरह की कार्रवाई में मतलब एफआईआर दर्ज करवाए। इन साथियों को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा निलंबित करवा दिया गया। लोगों की समस्याएं अगर जिला उपायुक्त नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिन्होंने बिना देखे इन साथियों को सस्पेंड कर दिया, जिनके ऊपर सस्पेंशन बनती नहीं थी क्योंकि आज तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्जशीट नहीं इनके ऊपर, तो सस्पेंशन किस बात की? आज हमारी शिक्षक तालमेल कमेटी की पूरे जिले के शिक्षकों में इस कार्रवाई के प्रति बहुत गहरा रोष है। शिक्षक तालमेल कमेटी की बैठक थी, इसमें फैसला लिया गया है कि 27 तारीख को फौरी तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अध्यापक इकट्ठे होंगे और वहां से प्रदर्शन करते हुए मंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें ये उपयुक्त मांगे हमारी होंगी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिन्होंने ये कार्रवाई इनको सस्पेंड किया, उनकी ट्रांसफर हो और इन दोनों साथियों को बहाल किया जाए, ये तीन मांग है हमारी। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कैथल का जिला प्रधान होने के नाते इस घटना की निंदा करता हूँ, क्योंकि जिला उपायुक्त महोदय को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए थे और जिला शिक्षा अधिकारी को भी पहले इन अध्यापकों को बुला करके बातचीत करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था या कोई चार्जशीट इशू करनी चाहिए थी। ऊपर के आदेश से ऐसे मान करके इनको सस्पेंड करना उचित कार्य नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। और इस फैसले में जो शिक्षक तालमेल कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से जो भी आंदोलन होगा हम उसके साथ रहेंगे, और जब तक इन अध्यापकों की बहाली नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और हम ये मांग करते हैं, देखिए नागरिक हम, चाहे शिक्षक हैं चाहे दूसरे लोग हैं, वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते जिला उपायुक्त महोदय से डिमांड करना, मांग करना, जैसे रात में बिजली के चली गई थी, बिजली नहीं आ रही थी तो ये साथी उसके साथ शामिल हुए, ये कोई अपराध नहीं है, ये तो नागरिकों का गला घोटा जा रहा है। और ऐसी घटना, ऐसा कार्यक्रम
जिला उपायुक्त महोदय को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। उनको तुरंत इसकी जो अध्यापक है सस्पेंड किए, इनकी बहाली के लिए लिखना चाहिए। और जिला शिक्षा अधिकारी ने, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का चार्ज भी उनके पास है, उनको तुरंत इनको शिक्षकों को बहाल करना चाहिए। ऐसी हम मांग करते हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ इस आंदोलन में तालमेल कमेटी के साथ रहेगा। एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन कैथल और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन कैथल, जैसा कि आज हमारे साथियों की जितने भी शिक्षक संगठन है, 18 के लगभग आज संगठन थे वहाँ पर, इन्होंने आज भाग लिया। तो हमारा सबसे पहले तो जो डीसी उपायुक्त कैथल ने ये निर्णय लिया है, हम सारे संगठनों ने इसकी घोर निंदा की है। और जो भी ये कार्य था, इतना बड़ा कार्य नहीं था, जैसा कि उपायुक्त महोदय ने किया है कि एक सामूहिक कार्य था, सामूहिक कार्य को करवाने के लिए हमारे साथी वहाँ पर गए थे। और संगठनों का ये काम भी होता है, उनका एक काम भी होता है, उनका सामाजिक सेवा का भी इसमें संगठन के अंदर आते हैं वो, तो उसके लिए करवाने के लिए गए थे, जिसके कारण छोटे से कदम के ऊपर उपायुक्त ने निदेशक मौलिक के ऊपर दबाव डाल करके हमारे साथियों को सस्पेंड किया। और हमारे यहाँ जितने भी संगठन थे उन्होंने ये निर्णय भी लिया है कि यदि कोई डीसी हमारी गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर ड्यूटी भी लगाता है तो हम उसका विरोध करेंगे बिल्कुल डट करके, और 27 तारीख को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, जिसके अंदर हम DWO और उपायुक्त महोदय के तबादले की मांग करेंगे और मंत्री जी को ज्ञापन भी देंगे।